નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, એક્ઝોટિક વેબ મીડિયામાં આપનું સ્વાગત કરું છું. આજે ફરીથી આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે સ્ટાન્ડર્ડ 10th ટોપર સ્ટુડન્ટ સંસ્કાર ભારતી વિદ્યાલયના. આ સ્ટુડન્ટ ઇંગ્લિશ મીડિયમના છે એટલે આપણે આજે કાર્યક્રમ હિન્દીમાં કરીશું કે જેથી કરીને એને સમજાઈ શકે. હમારે સાથ ઉપસ્થિત હૈ કેશા પટેલ, જો SBV સ્કૂલ કી ટોપર સ્ટુડન્ટ રહી હૈ. કેશા, આપકા સ્વાગત કરતી હું હમારે સ્ટુડિયો મેં, और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे उपस्थित है, तो आपका भी मैं स्वागत करती हूँ. और सबसे पहले मैं केशा को शुभेच्छा देना चाहूँगी कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से आपने रिजल्ट लिया है, इवन ग्रेड शायद प्राप्त किया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब एकदम एक्साइटेड हूँ मैं, और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरी जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला. कैसे रिजल्ट आया, मतलब मेहनत आपने कैसे की वो हमारे दर्शकों को बताइए. एक्चुअली मैंने अपनी स्टडीज को बहुत एंजॉय किया. जितना मुझे क्लास में पढ़ाया जाता था तब का मैं तब अपने मतलब साथ कर ही लेती थी, तो मुझे लास्ट में कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. जैसे लोग सुबह जागते करते हैं वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी. मतलब कितने वर्ष आप पढ़ाई में लगाते थे कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो मतलब कितना अवर्स, कितना घंटा टाइम? ट्यूशन के जो 2 hours होते हैं वो, और एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए 3 hours. जी, मतलब पूरे साल मेहनत की है कि शॉर्ट जब एग्जाम आने के टाइम पे ही किया है? नहीं, पूरे साल करती आई हूँ, फिर इसलिए एंड में कुछ भी नहीं करना पड़ा. हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है. तो आप मतलब सोशल मीडिया का यूज कर रही थी क्या? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा कर रही थी. जी, नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं कि इस टाइम को अपने मतलब पूरा दिन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए भी यूज करते हैं. हाँ. और कई लोग ऐसे होते हैं कि टाइम पास भी कर रहे होते हैं, तो आप किस तरह से यूज कर रही थी? और एक्चुअली मेरे पास सिर्फ रात को जब पापा आते थे तभी फोन होता था, तो तब मैं रात को यूज कर लेती थी. मतलब पूरा दिन नहीं किया है तो एक बार चेक कर लेती थी क्या है सब. जी, आपकी स्कूल से मतलब आपके जो प्रिंसिपल रह चुके हैं, आपके टीचर्स हैं, उनका सपोर्ट आपको कैसा रहा? बहुत अच्छा सपोर्ट था. इवन प्रिंसिपल सर तो हमें पूछने भी आते थे कि आपको कैसा लग रहा है, सारे टीचर्स के साथ अच्छा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है. बस जी, अब हम बात करेंगे उनकी मम्मी जी से. आपका नाम? मीनाक्षी पटेल. जी, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ. जी, आपको कैसा फील हो रहा है बेटी ने आज इतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है, तो ऑब्वियसली प्राउड फील हो रहा है. जी, प्राउड तो फील हो रहा है, फिर भी कुछ अच्छी सी फीलिंग्स आ रही हो, ऐसा कुछ? अच्छी सी फीलिंग ये आ रही है कि मैंने झगड़ा किया था ना, वो उसने मुझे करके दिखाया. अच्छा. अचीव करके दिखाया. ओके, बात तो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब झगड़ा किया इसीलिए उसने अचीव किया, ऐसा हो गया. आपकी कोई ऐसी मोमेंट रही है जब वो पढ़ाई करती हो और आपके साथ कुछ ऐसा लगा हो कि आपने उसको ज्यादा डांटा हो या वो गुस्सा होकर आपको कुछ बोली हो, ऐसा कुछ मोमेंट हुआ है? हाँ, ऐसे तो कई मूवमेंट है पूरे साल के. क्योंकि वो पढ़ाई अपनी पढ़ाई कर ही लेती थी पूरे पूरी, जो स्कूल में कराते ट्यूशन में कराते वो अपने आप लर्न कर लेती थी. जी, फिर वो एंटरटेनमेंट भी करती थी. जब वो एंटरटेनमेंट करती थी तब मुझे लगता था ये क्या करेगी, कैसे करेगी, तो उसके साथ उसे मैं डांटती थी. जी. और उसे बोलती थी तू इतना टका कैसे ला पाएगी, तू ज्यादा थोड़ी और ज्यादा मेहनत कर. तो वो बोली कि नहीं 90 अब तो मैं लाके ही दिखाऊंगी मम्मी. और उसने ये लाके दिखाया. जी, मतलब 90 अप्लाई, फिर भी आपको ऐसा संतोष तो शायद नहीं हुआ होगा कि और भी अच्छे लाते तो अच्छा होता, ऐसा हुआ ना? 100% हुआ होगा. ऐसा तो हुआ, पर मुझे ये संतोष हुआ कि जब मैं उसकी जगह थी ना तो मैं इतना नहीं ला पाई थी. हाँ, तो इसलिए मेरी बेटी ने मुझसे ज्यादा लाए तो मुझे उस बात का संतोष है. जी, बहुत ही बढ़िया. हमारे साथ उनके पिताजी भी यहाँ पे हैं. तो आपका नाम सर? रितेश. रितेश जी, आप क्या करते हैं? मैं टॉरेंट पावर में परचेस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में. जी, बहुत असिस्टेंट मैनेजर. जी, बहुत ही अच्छी बात है. आपको कैसे फील हो रहा है आपकी बेटी के लिए? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे वो टाइम पे ये सब अचीवमेंट नहीं किया जो मेरी बेटी ने किया है. जी. तो उसके हिसाब से तो ये बहुत, हमारे से तो बहुत आ गया है. जी. बहुत आ गया है.
जी बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने कुछ उसके लिए मतलब पढ़ाई के वक्त आपने कोई कैसी हेल्प की है उसको? मेरा हेल्प तो यही है कि वो जितना भी हो सके उतना टाइम पढ़ाई में लगाए, लेकिन एक केसा का अगर एग्जांपल मैं किसी स्टूडेंट को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि केसा ने इतना एंजॉय करके फिर उसने कोई ऐसा टेंशन का कोई ऐसा कोई उसके दिमाग में कुछ है नहीं, मतलब टेंशन फील नहीं कर रही थी, एकदम रिलैक्स होके उसने पढ़ाई की है। तो यही हम यही मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप अगर ऐसी सिचुएशन हम हमारे जो दूसरे विद्यार्थी है दूसरे भी स्टूडेंट्स है उनको हम बताएंगे तो और भी लोग अच्छी तरह से शायद पढ़ाई कर पाए। कुछ तो टिप्स आपको देना पड़ेगा, आपकी बेटी के लिए आपने क्या किया है? मेरे टिप्स में तो क्या है कि केशा ने जो कोई भी पढ़ाई ऐसे एंजॉयमेंट से कोई भी स्टूडेंट्स करेगा ना तो उसका 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या है कि आज जो सोशल मीडिया का जो वायरल इतना है हरेक, तो वो स्टूडेंट हरेक स्टूडेंट ये उसके लिए वो कैपेबल नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। जो कैसा एग्जाम बोर्ड का एग्जाम के अगले दिन भी वो आराम से टीवी देखती थी। वाह क्या बात है, तो मतलब ये अच्छी बात है। जरूरी नहीं, आजकल लोगों को ऐसा है कि भाई एग्जाम आए तो उसके ऊपर इतना हाई टेंपर हो जाते हैं और बस यही पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उससे भी शायद रिजल्ट खराब हो सकता है मेरा ऐसा मानना है। एंजॉय करके अगर पढ़ते हो तो शायद रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है, वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। नहीं वो छोटी थी तब से हम दोनों ने, मैं और इसके पापा ने उसको ऐसा ही सिखाया कि जो स्कूल में कराया ना बेटा वो तू घर पे आके लेसन होमवर्क कर ले और उसको लर्न कर ले, उसको आत्मसात कर ले जी, और तभी तो तू उसको कर पाएगी। तो इसको अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी पूछो या सेवन का भी पूछो तो उसको पता है, वो समझ के पढ़ती है जी। वो ऐसे नहीं कर रट्टा मारो और पढ़ लिया, ऐसे नहीं है उसको, आप पूछो किसी भी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछो ये कर लेगी जी। एक और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो एनसीईआरटी का जब पायलट प्रोजेक्ट जब एसबीवी स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जी, तो पेरेंट्स मीटिंग्स के लिए सबसे पहले जब बुलाया था जी, तो ऐसा क्या है कि 1 to 8 स्टैंडर्ड तक वो अपने अहमदाबाद में सोम ललित विद्यालय में वहाँ पे पढ़ी है और इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है। तो वहाँ का जो जो उनका जो सिलेबस और उनके जो बुक्स है वो हिसाब से एनसीईआरटी का जो हमने रिफर किया तो हमको बहुत अच्छा लगा और सबसे पहले हमने एक्सेप्ट किया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये स्कूल की भी बात करें हम तो स्कूल के लिए भी आप कुछ कहना चाहोगे, स्कूल ने कैसे सपोर्ट करी? स्कूल ने भी बहुत अच्छा, उन्होंने अपने अच्छी फैकल्टी जो इनको चाहिए वो हिसाब से उन्होंने उनको दिया है और हर एक सर टीचर ने इन लोग के साथ में कोऑपरेट किया है, कोई भी जगह पे उन लोग को ये नहीं डिमोरलाइज नहीं किया है। हाँ। ये कोई भी क्वेश्चन सर को टीचर को पूछते थे वो क्वेश्चन का वो लोग वेरिफिकेशन करते थे इन लोगों के साथ जी। बहुत ही अच्छी बात है, आप कुछ कहना चाहेंगी? वैसे तो स्कूल में बहुत अच्छे सर टीचर हमें लास्ट तक सपोर्ट किया, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया है और इवन मेरे ट्यूशन के सर जो है मनीष सर, हाँ जी बिल्कुल, डेवलपमेंट के जो सर है मनीष सर, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। वो हमारी स्कूल में आए थे स्पेशली प्रोग्राम करने के लिए ताकि जो हम स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रेस में ना आ जाए और कुछ गलत ना कर दे, इसलिए उन्होंने हमें स्कूल में भी आके बहुत अच्छे से मोटिवेट किया था जी। और आज मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की वजह से ही हूँ। अभी लास्ट क्वेश्चन, आप अगर 10th का आपने इतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है तो अभी नेक्स्ट आपका क्या प्रोजेक्ट है, क्या करना चाहती है आप? मैं 11th साइंस बायोलॉजी मेडिकल में कर दिया है अभी। बहुत ही अच्छी बात है, आप और भी आगे तरक्की करो। मैं चाहती हूँ कि 12th में आप वापस A1 ग्रेड लेके यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए, ऐसी मेरी शुभकामना है। थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।